क्या सोच रहे हो मामा? और लड़कियों के बारे में सोच रहा होगा। है डुप्लीकेट, डुप्लीकेट? ये है ना सनी देओल का डुप्लीकेट। ओ यार मैं ये सोच रहा था कि आज हमारे देश में कितनी गंदगी फैली हुई है, जहां देखो वहां कूड़ा कचरा सड़कों के किनारे, इससे न जाने कितनी बीमारियां होती है। अरे मामा आपके घर में साफ सफाई है ना? बस यही तो प्रॉब्लम है, हम अपने घर को तो साफ सुथरा रखते हैं पर इस देश को कोई साफ सुथरा नहीं रखता। यार ये देश भी हमारा ही घर है, इसे हमें साफ सुथरा रखना है। ओ भाई ये साफ सफाई करना सरकार और एनएमसी का काम है, हमारा नहीं। और हमारा काम क्या है? गंदगी फैलाना, सड़कों पे कूड़ा कचरा फेंकना, आवारा गर्दी करना बस। अरे यार आज सरकार स्वच्छता अभियान चला रही, कम से कम उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा तो लो। ये स्वच्छता अभियान ये देश के लिए है मामा भाई, लोगों के बीच साफ सफाई के प्रति जागरूकता फैलाना ये हमारा काम है, हम यूथ का काम है, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ओ भाई ये भाषण उसे जाकर सुना जो गंदगी फैलाता है, मुझे मत सुना। मेरे भाई ये गंदगी तेरे और मेरे जैसे लोग ही फैलाते, कोई बाहर से कचरा कूड़ा भारत में फेंक के नहीं जाता है। सही बोल रहे मामा, इस गंदगी के कारण ना जाने कितने लोग बीमार हो जाते। हमारे और इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है मामा। सही बोले मामा भाई आपने, इसीलिए ये भारत के हर एक नागरिक का दायित्व तो बनता है कि वो अपने आसपास साफ सफाई रखे, कूड़ा कचरा कूड़ा दान में फेंके, समझे? ओ भाई क्यों करूं मैं साफ सफाई, ना मेरे पास नौकरी है ना छोकरी, इस देश ने मेरे लिए किया क्या है? किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसके लायक बनना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और वो तो तुमसे होती नहीं। और बात करते इस देश ने तेरे लिए क्या किया है। मेजर ध्यानचंद जी जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, वर्ल्ड कप में जर्मनी को 1-0 से हराने के बाद उनका खेल देख हिटलर ने उनसे पूछा कि तुम एक खिलाड़ी के अलावा अपने देश में क्या हो। मेजर ध्यानचंद जी ने कहा कि वो एक सिपाही है। हिटलर ने उनसे कहा जर्मनी की टीम से खेलने आ जाओ, एक दिन मैं आर्मी चीफ बना दूंगा, पर उन्होंने इनकार कर दिया। हिटलर ने कहा क्या किया है तुम्हारे देश ने तुम्हारे लिए? तब मेजर ध्यानचंद जी ने कहा ये मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं कि वो मेरे लिए कुछ करे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं। मुझे गर्व होता है अपने इस भारत देश पे जहां इतने महान आदर्शवादी व्यक्तियों ने जन्म लिया, जिन्होंने इस देश की माटी को अपने माथे से लगाया, गर्व है मुझे अपने भारत देश पे। और मुझे माफ कर दे भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इस देश की महानता को भूल गया। ओ भाई ये साफ सफाई अभियान में मैं तेरे साथ हूँ। ओ भाई हम इस देश को ना स्वच्छ बनाएंगे। अरे मामा दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, तू बात समझ गया ना बस। दोस्तों ये भारत कल भी महान था, आज भी महान है और कल भी महान रहेगा, लेकिन इसकी महानता को बरकरार रखना ये हमारा दायित्व है। आओ दोस्तों हम कसम खाते हैं कि इस भारत देश को स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छ रखेंगे और औरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। अरे रुकिए 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 भाई, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो के थ्रू मैं जो मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ वो उम्मीद करूँगा आप सभी को समझ आ गया हो कि साफ सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे देश में, और जो स्वच्छता अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, अपने आसपास साफ सफाई रखें। और क्या, जय हिंद।